गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली के करंट अफेयर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे थे और एक होमवर्क दिया था, जिनके आंसर मोनिका सिंह ने बहुत अच्छे से दिए और हमने उनके आंसर को पिन भी किया है। उनके अलावा सोनिंदर सिंह, उत्तम वर्मा ने भी बड़े अच्छे से आंसर्स दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेशन जारी रखेंगे और बाकी के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे आपकी लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो था ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड। वो है, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इन इंडिया, भारत में कितनी आधिकारिक भाषा हैं। वेल, इट्स आंसर इज़ 22, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज 19 जून का है वो है, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिकेम ऑफिशियल हाउ मैनी लैंग्वेजेस बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। कितनी भाषाएँ 92वें संविधान संशोधन के तहत आधिकारिक भाषाएँ बनी। वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। वेल, इट्स आंसर इज़ बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, चलिए थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं हम। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे ये पार्ट 17 में दे रखी हैं, जो कि आर्टिकल्स 343 से लेके 351 तक हैं। 8th शेड्यूल में आती हैं और जो शुरुआत में थी वो 22 नहीं थी, वो ओरिजिनली 14 थी। उनमें टाइम टाइम पर 8 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई और अब वो 22 हो गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड यून टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। किस केंद्र प्रशासित प्रदेश ने यून टैब स्कीम लॉन्च की। वेल, इट्स आंसर इज़ लद्दाख। लद्दाख आज थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख इज़ राधा कृष्ण माथुर। प्रथम LG राधा कृष्ण माथुर हैं आपके लद्दाख के। एंड नेक्स्ट वन, फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेट इज़ गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी वो चेंज हो गए हैं, आप मुझे बताइए कि अब जो LG हैं जम्मू कश्मीर के वो कौन हैं। चलिए थोड़ा सा हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लद्दाख जो कि अपनी बाउंड्री टच कर रहा है आपके चाइना के साथ में। यहाँ पे थोड़ा पोर्शन अफ़गानिस्तान का भी आ रहा है, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर हिमाचल प्रदेश। और ये जम्मू कश्मीर जो बाउंड्री टच कर रहा है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है, लद्दाख के साथ टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ टच कर रहा है और पंजाब के साथ टच कर रहा है। जितने भी मैंने आपको ये देश बताए और स्टेट बताए, आपको मुझे इनकी कैपिटल बतानी है। चलिए आगे बढ़। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया है। वेल, इट्स आंसर इज़ नीति आयोग एंड परमल फाउंडेशन। ये सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान का जो बेसिक एम है वो ये है, टू एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग होम केयर सपोर्ट टू COVID-19 पेशेंट्स। जैसे कि COVID-19 बहुत ही आपको पता है न्यूज़ में है, 2 साल से परेशान किया हुआ है, तो ये नीति आयोग और परमल फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है, जिससे कि जितने भी COVID-19 के पेशेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत सिम्टम्स हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, माइनर केस हैं, तो उनको उनके घर पर ही सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव, वेल, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। इट्स राजीव कुमार इज़ वाइस चेयरपर्सन एंड अमिताभ कांत CEO। नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन पैनगिया 14। ऑपरेशन पैनगिया 14 किसने लॉन्च किया है। वेल, इट्स आंसर इज़ इंटरपोल। अब ये जान लेते हैं कि हम
इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? टू डिसरप्ट द ऑनलाइन सेल ऑफ काउंटरफेट एंड इलिसिट हेल्थ प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी नकली और अवैध हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचे जाते हैं मार्केट में, उनको रोकना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के नाम पे काफ़ी सारी मेडिसिन प्रोवाइड की गई, काफ़ी सारे पैसे ले लिए गए और उनको मेडिसिन भी नहीं मिली। तो इसीलिए इसको रोका गया है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि जितने भी आपके ये फेक चीज़ें चल रही हैं उनको रोका जा सके। चलिए अब थोड़ा इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं, है क्या। वेल, इट्स फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन सेप्टेम्बर 1923। इसका गठन 1923 को हुआ। इट्स हेडक्वार्टर्स इन लियोन, फ्रांस। इट्स प्रेसिडेंट इज किम जोंग यांग। चलिए हम इंटरपोल का मोटो देख लेते हैं कि मोटो है क्या। वो ये है, कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। हमें ये बताइए कि आप हमारे इंडिया की साइड से अगर इंटरपोल कभी कॉन्टैक्ट करेगा तो किस फोर्स को करेगा। चलिए अब जब हम फ्रांस के बारे में आया ही, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है और ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। आई होप आप ये सब देख पा रहे होंगे। फ्रांस हमारा यहाँ पे है, जिसकी कैपिटल पेरिस है। यहाँ पे बेल्जियम हो गया, यहाँ पे जर्मनी हो गई, यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये इटली है, यहाँ पे आपका ये स्पेन हो गया, तो और यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और ये फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल हो गया। तो आप, मैंने जितने भी आपको अभी ये नेशंस बताएं, आपको मुझे इनकी कैपिटल बतानी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ लॉन्च्ड सरल जीवन बीमा। सरल जीवन बीमा किसने लॉन्च किया? IRDAI, IRDAI। चलिए थोड़ा सरल जीवन बीमा के बारे में जान लेते हैं, है क्या। ये 18 से 65 साल के लोगों के लिए है, जो जिसका पॉलिसी टेन्योर है 5 to 40 years, और ये मिनिमम सम और मैक्सिमम सम 5 लाख से लेके 25 लाख तक हो सकता है। प्रीमियम पेमेंट्स, पेमेंट कैसे होगी, या तो एक साथ हो जाएगी या रेगुलर होगी, जैसे कि मंथली या कुछ भी जो इनका सिस्टम होगा। अब ये जान लेते हैं कि ये किस किस के लिए है। फॉर पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिलोंगिंग टू लोअर इनकम कैटेगरी, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए। चलिए थोड़ा IRDAI के बारे में जान लेते हैं। वेल, इट्स फुल फॉर्म इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट वॉज बींग फाउंडेड ऑन 1999। इसका गठन 1999 को हुआ। इट्स हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद। वेल, इट्स चेयरपर्सन इज़ सुभाष चंद्र कुंतिया। चलिए हम थोड़ा अब हैदराबाद को देख लेते हैं मैप में, कहाँ है, किस स्टेट में पड़ता है। वेल, आपको यहाँ पे हैदराबाद ये तेलंगाना के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ में जो तेलंगाना है वो महाराष्ट्र के साथ में बाउंड्री टच कर रहा है, कर्नाटक के साथ में बाउंड्री टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ में बाउंड्री टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ में बाउंड्री टच कर रहा है। ये देखिए, ये उड़ीसा के साथ में बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, सो डोंट बी कन्फ्यूज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has published Global Hunger Index? Global Hunger Index को कौन पब्लिश करता है? Well, its answer is Concern Worldwide and Wealth Hunger Hive. Global Hunger Index 2020 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं, it was first published in 2006. उसके बाद and after that every year they publish it in the month of October. यह पहली बार 2006 में प्रस्तुत की गई और फिर उसके बाद ये हर साल अक्टूबर के मंथ में रिलीज़ की जाती है। वेल, इट्स इंडियाज रैंक, जो कि आपको याद होनी चाहिए, कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेल, इंडियाज रैंक इज़ 94 out of 107, जो कि बहुत बुरा है। तो फ्रेंड्स, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना वेस्ट ना करें, जितना थाली में लें उतना ही खाएं, और हो सके तो किसी भूखे को कुछ खाने को दे सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व। मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व कहाँ है? वेल, इट्स आंसर इज़ तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। टाइगर पॉपुलेशन, वेल, जो टाइगर सेंसस होता है, जैसे
तो वो हर 4 साल में होता है। पहला 2006 में हुआ, फिर दूसरा 2010 में, तीसरा 2014, चौथा 2018। अब अगला कब होगा वो आप मुझे बताइए। 2006 में जब सर्वे हुआ था उस टाइम पे इसका जो टाइगर पॉपुलेशन निकली थी वो थी 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967। वेल आप देखेंगे कि 2006 से लेकर 2018 तक पॉपुलेशन डबल हो गई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। वो रीज़न ये है, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 टू कंजर्व टाइगर्स। वेल अभी ज़रा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या पॉपुलेशन है आपके ये टाइगर्स की। वेल फर्स्ट वन इज़ मध्य प्रदेश, जिसमें 526 टाइगर पाए जाते हैं। सेकंड वन कर्नाटका 524, थर्ड वन उत्तराखंड 442, एंड फोर्थ वन महाराष्ट्र 312। इसके बाद में लेकिन टॉप के स्टेट्स यही हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हम लोग जब टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। वेल थीम जो थी 2020 में वो थी देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। चलिए अब जब इन राज्यों के बारे में पढ़ा है तो थोड़ा देख लेते हैं इनको। फर्स्ट वन इज़ मध्य प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड वन कर्नाटका, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड वन उत्तराखंड, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फोर्थ वन महाराष्ट्र, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस ईयर में अलग हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ट, दल बदल का नियम कब पास हुआ। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट पर आरोप लगाए जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी पर कि वह दूसरे के एमपीज एमएलएज खरीद रही है। तो जब लोग एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उसी को दल बदल बोला जाता है। उसके रिगार्डिंग 1985 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल में यह कानून लाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ दीपोर भील, दीपोर भील किस स्टेट में है। वेल इट्स आंसर इज़ असम। चलिए थोड़ा असम को मैप में देख लेते हैं। वेल असम हमारी नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो कि 7 सिस्टर्स में भी आता है। देखिए असम यहाँ पे बाउंड्री जो टच कर रहा है भूटान के साथ में टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में, आपका नागालैंड के साथ में, मणिपुर के साथ में, मिजोरम के साथ में, त्रिपुरा के साथ में, मेघालय के साथ में, इवन बांग्लादेश के साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेल्थ पुलिस एंड एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट। अभी आपने देखा होगा हेल्थ पुलिस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस सूची के विषय हैं। ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपके सामने आज या कल मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कि हम लोग आपसे बात करेंगे कि मतलब कि हम अपनी स्टडी कैसे लेके चलें, मतलब मेरा क्या प्लान है, आपको आगे ये करंट अफेयर्स कैसे कवर कराने हैं, और आप मुझे अपने सजेशंस दें कि हम कैसे करें, क्या करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं इसके रिगार्डिंग वो आप लोग ज़रूर बताएं। उस वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी वो अलग बना दूंगा। उसके अलावा आई होप, और एक चीज़ और, आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं कितना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। फीडबैक दिया करें आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और पार्टिसिपेट करें, अपना ध्यान रखें। तो चलिए अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी मतलब पसंद आई होगी, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।